हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVET जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो लाइब्रेरियन असिस्टेंट वैकेंसी से संबंधित है और यह जो वैकेंसी है ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आवेदन आमंत्रित है। इस वीडियो में इस पद के बारे में बताएंगे और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी बताऊंगा कि आप वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है, लखनऊ कैंपस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस चैनल पर दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ है IIM जम्मू का, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो पद का नाम है लाइब्रेरियन असिस्टेंट और 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी सी लिव, बी लिव, एम लिव जो भी आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, तो असिस्टेंट या अटेंडेंट या स्टॉक असिस्टेंट या ट्रेनिंग या क्लर्क लेवल का। यहाँ पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी बताना चाहता हूँ कि अब जो वैकेंसी हैं प्राइवेट हैं तो आपके पास कम एक्सपीरियंस है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट कर लें, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें, यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यानी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो बहुत सारे हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यह नोटिफिकेशन इस व्हाट्सएप ग्रुप जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैं यह नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूँ। यदि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जैसे ही आप आएंगे तो इसके लिए कोई TDD नहीं है। इसके अलावा जो है, थोड़ा सा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर इंटरव्यू के लिए आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और जो भी शॉर्टलिस्ट होगा, इस कमिटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही मान है। और इस संस्था का राइट्स है कि कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी कर सकती है। तो इस तरह से यह नोटिफिकेशन है और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपको 31 अक्टूबर 2024 तक शाम को 5 बजे से पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट रिलेवेंट सर्टिफिकेट या लेटर जो भी है। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीच पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा सेंड करें, बट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम, क्वालिफिकेशन, अकेडमिक सर्टिफिकेट में जैसे बी लिव, एम लिव सर्टिफिकेट जो भी है, एक्सपीरियंस है, सबकी एक PDF बनाकर आप एक साथ सेंड कर सकते हैं और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी सेंड कर सकते हैं। जो ज़रूरी था यही मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप कमेंट वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट करें कि सर स्पीच पोस्ट से सेंड करना है। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि भाई जीमेल से सेंड करना है, तो ऐसा कोई नहीं है। दूसरा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है, इस जीमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। इसके बाद 22 नंबर में जो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 फॉर्म आया तो 100 आदमी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और कमिटी पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू के लिए किसको शॉर्टलिस्ट किया जाए, यह डिपेंड करता है कमेटी पर। यदि कोई प्रश्न है तो यहाँ पे जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अब मैं आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताऊँगा कि कैसे अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यह जो वैकेंसी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपको वेबसाइट पर। और वेबसाइट पे यहाँ पे लेकर आया हूँ तो गूगल में तो आपको सर्च करना आता ही होगा। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ वेबसाइट पे। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का वेब पेज ओपन हुआ है। अब नीचे आप आएँगे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जो है EOI नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें डिटेल जानकारी दी गई है। नॉन टीचिंग की नोटिफिकेशन है, आपको फर्स्ट वाला लिंक में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पब्लिश डेट, 9 अक्टूबर को यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो अगला हमारा पेज ओपन होगा। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लेकर आने का मतलब इसलिए है कि आपको इजीली तरीके में आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकें और आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि मैं यह जानकारी नहीं बताता हूँ तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, सर लिंक नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने का, लिंक प्रोवाइड करें। तो देखिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करने के लिए इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो नोटिफिकेशन तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और मैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कैसे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। तो यह देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। MS वर्ड में एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर आएगा। और यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे आप फुल नेम, यहाँ पे किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पद लिखना है। यहाँ पे नेम आपका लिखना है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, प्लेस देना है जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है। इसके बाद नीचे ये फादर नेम आपको लिखना है। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मेलिंग एड्रेस देना है। इस तरह से MS ऑफिस में है, आराम से आप मोबाइल में इसको फिल कर सकते हैं और पेन से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में ही ऐसे अच्छे तरह से, यदि आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं और आपको आता होगा तो अच्छे तरीके से ये सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल में क्या होता है कि आपको पेन से नहीं लिखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा और अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। जो भी जानकारी लिखें कैपिटल लेटर में लिखें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि यह जो वैकेंसी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के लिए आवेदन आमंत्रित